एक्सीलेंट इंग्लिश जून। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल आइडिया एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम अ लैमेंट कंपोज्ड बाय पीबी सैली। तो लास्ट लेक्चर में हमने इस पोएम का डिटेल स्टडी किया था, समरी भी पढ़ी थी इसकी, और इस वीडियो में हम इसका सेंट्रल आइडिया कवर करेंगे पहले, और उसके बाद इसके दोनों एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे। तो सेंट्रल आइडिया है हमारा द पोएम अ लैमेंट कंपोज्ड बाय पीबी सैली इज अ डिपिक्शन ऑफ हिज मेलंकोलिक मूड। ये जो पोएम है अ लैमेंट, ये पीबी सैली द्वारा रचित है, जो पीबी सैली की डिपिक्शन ऑफ हिज मेलंकोलिक मूड, उदास मन का वर्णन है। ही इज फेड अप विद हिज लाइफ बिकॉज ही फील्स डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलर इन हिज लाइफ। वह अपने जीवन से ऊब चुका है क्योंकि वह अपने जीवन में निराशा और असफलता महसूस करता है। ही रियलाइजेज दैट ही वुड नॉट लिव लॉन्ग। वह महसूस करता है कि वो ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। His youth has deserted him, and he was now incapable of enjoying the pleasures offered by life and nature. वह महसूस करता है कि his youth has deserted him, उसकी युवावस्था ने उसे छोड़ दिया है अकेला, and he was now incapable of enjoying the pleasures. और अब वह जीवन और लाइफ एंड नेचर, जीवन और प्रकृति के सुख को महसूस करने के योग्य नहीं है। द अवेयरनेस ऑफ ओल्ड एज हैविंग कम बिफोर इट्स टाइम लीड्स टू अ क्राई ऑफ डेस्पेयर। जो वृद्धावस्था का की जागरूकता है या वृद्धावस्था का असर जो है वह उसे समय से पहले महसूस होने लगा है और उसे निराशा की ओर ले जा रहा है। द ब्यूटी ऑफ नेचर इज अनेबल टू डिलाइट हिम एज ही इज इन द डेप्थ ऑफ सोरो। प्रकृति की सुंदरता उसे प्रसन्नता खुशियां देने में असमर्थ है क्योंकि वह दुख की गहराई में चला गया है। ही रिकॉल्स द हैप्पी मोमेंट्स ऑफ हिज यूथ। वह अपने युवावस्था के हैप्पी मोमेंट्स को याद करता है। And he is greatly pained at the passing of that time forever. और अपने समय के यो अवस्था के समय के शीघ्रता से बीत जाने के कारण वह बहुत अधिक तकलीफ में है, दुख में है, बहुत अधिक निराश है। तो ये हमारा सेंट्रल आइडिया हुआ इस पोएम का। अब हम इस पोएम के एक्सप्लेनेशंस कवर करेंगे। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन जो है इस पोएम का, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम ओ हूज लास्ट स्टेप आई क्लाइम ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम नो मोर ओ नेवर मोर। तो ये इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसका रेफरेंस है हमारा, दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ लैमेंट कंपोज्ड बाय पीवी सैली। तो अब कॉन्टेक्स्ट हम इसका लिखेंगे। इन दीज लाइन्स पीवी सैली एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स ऑफ डीप ग्लूम। ही फाइंड्स नो चार्म्स इन द मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो पीवी सैली इस इन पंक्तियों में पीवी सैली अपनी गहरी उदासी की जो फीलिंग्स हैं उनको व्यक्त करते हैं और उन्हें इस भौतिक संसार से कोई आकर्षण प्राप्त नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन है हमारा, द पोएट हैज़ नो डिज़ायर टू लिव मोर इन दिस वर्ल्ड। पोएट इस संसार में और अधिक जीने की इच्छा नहीं करता है। वंस द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ अट्रैक्शन फॉर हिम। कभी ये संसार उसके लिए अट्रैक्शन से भरा हुआ, आकर्षण से भरा हुआ हुआ करता था, बट दैट टाइम इज ओवर। लेकिन वह समय बीत गया है। नाउ ही इज फेड अप विद हिज लाइफ। अब वह जीवन से ऊब गया है। एंड ही फील्स दैट डेथ इज अप्रोचिंग हिम स्लोली। और वो महसूस करता है कि मृत्यु उसे धीरे धीरे
उसके पास आ रही है. ही एड्रेसेस द वर्ल्ड लाइफ एंड टाइम. वह समय, जीवन और संसार को संबोधित करता है. ही रिकॉल्स द टाइम व्हेन ही यूज्ड टू स्टैंड फर्मली ऑन द प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड. वह उस समय को याद करता है जब वह संसार के उन स्थानों पर दृढ़ता से खड़ा होता था. बट नाउ हिज लेग्स आर ट्रेम्बलिंग लाइक एन ओल्ड मैन. लेकिन अब वह एक बूढ़े व्यक्ति की तरह उसके पैर कांपते हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ हिज यूथ. उसके युवावस्था की जो शक्ति है, मे नॉट रिटर्न. वो लौट नहीं सकती है. एज दैट टाइम हैज़ गॉन फॉर एवर. क्योंकि वह समय हमेशा हमेशा के लिए चला गया है. तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हुआ. और इस एक्सप्लेनेशन में आपका फिगर ऑफ स्पीच, आपका अपोस्ट्रॉफी है, इसलिए नोट में आपका फिगर ऑफ स्पीच अपोस्ट्रॉफी हो जाएगा. अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की ओर. तो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सप्लेनेशन है, हमारा स्टैंजा है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट. फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होयर. मूव माई फैंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट. नो मोर ओ नेवर मोर. तो इसे एक्सप्लेन करना है तो रेफरेंस तो हमारा सेम रहेगा. कॉन्टेक्स्ट हमारा कॉन्टेक्स्ट भी हमारा सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों स्टैंजा एक ही फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. तो वही हमारा कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा. केवल हम एक्सप्लेनेशन को चेंज करेंगे तो एक्सप्लेनेशन हमारा होगा द पोएट फील्स दैट जॉय नाउ हैज़ क्वाइट डिसअपीयर्ड फ्रॉम हिज लाइफ. पोएट कहता है कि जो आनंद है वो हमारे उसके जीवन से बिल्कुल गायब हो गया है. वंस द स्प्रिंग द समर एंड द विंटर कवर्ड विद डेंस फ्रॉस्ट वर सब्जेक्ट्स ऑफ डिलाइट. कभी बसंत और समर गर्मियाँ और विंटर कवर्ड विद डेंस फ्रॉस्ट. जो डेंस घना फ्रॉस्ट कोहरा, जो घने कोहरे से ढका होता था विंटर, वो सभी उसके लिए सब्जेक्ट्स ऑफ डिलाइट खुशी के विषय थे. एंड लाफर फॉर हिम और उसके लिए मुस्कान के विषय थे. बट नाउ दे हैव बिकम द एजेंट्स ऑफ सोरो सैडनेस एंड ग्रीफ फॉर हिम. लेकिन ये सब सभी मौसम अब उसके लिए उदासी, दुख और तकलीफ के विषय बन गए हैं. ही सेज दैट दे शैल नेवर रिटर्न अगेन इन हिज लाइफ. वह कहता है कि ये सब चीज़ें उसके जीवन में अब कभी वापस नहीं आएंगी. तो इस तरह से वो इस पोएम में अपने युवावस्था के खोने के दुख को व्यक्त करता है. तो इसके नोट में भी आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो अपोस्ट्रॉफी होगा क्योंकि इसमें भी संबोधन है. तो इस तरह से ये पोएम आपकी कंप्लीट हुई जिसमें मैंने आपको सेंट्रल आइडिया दिया और दोनों का एक्सप्लेनेशन भी दिया. तो इसे आपको राइट करना है, समझना है और लर्न करना है. तो इस तरह से आपकी ये पोएम कंप्लीट होती है. पोएम अगर आपको समझ में आई हो, सेंट्रल आइडिया एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें. आप अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो.